हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। सो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो अपना चैप्टर ख़त्म कर लिया था, उसके बाद हम लीनियर इनइक्वालिटी पाने वाले हैं। ये 11th का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने पढ़ा था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पढ़ा था। इसमें हमने आपको बताया था कि आपको कैसे बनानी है, फॉर्मेशन इसका कैसे करना है ना, फॉर्म कैसे करना होता है, इसकी इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, इसके रूट्स को कैसे आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन कैसे आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी को, ठीक। तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में इनइक्वालिटी होती क्या है, ठीक है। तो पहले आपको थोड़ा सा सिंबल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। सपोज़ करिए जैसे यहाँ पर लिखा है ये, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जैसे लिखा है x 6, इसका मतलब x की जितनी वैल्यू है वो 6 से कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके का। तो इस तरीके से है, ठीक है। ये लेस देन इक्वल ये वाला तो आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़, है ना, इनइक्वालिटीज़ इसको बोलते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। स्ट्रिक्ट का मतलब क्यों, कि जैसे मान लीजिए x लेस देन 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब 3 से कम ही होना चाहिए, 3 से ऊपर या बराबर भी नहीं होना चाहिए उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए 1, 2, यही आ जाएगा, नेचुरल नंबर है ना, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ लेस और ग्रेटर वाले में। और देखिए एक यहाँ पे अगर हम इक्वल लगा दें, सपोज़ करिए नीचे इक्वल और ग्रेटर इक्वल इस तरीके से लगा, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज़। यहाँ पे टी आई लगाना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ ऊपर वाली और नीचे वाली स्लैक इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको एग्जांपल से बताते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें एक होता है सॉल्यूशन सेट, तो वो क्या होता है उसकी आप डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। चलिए सॉल्यूशन सेट क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज़, है ना। जो ऑल वैल्यूज़ होंगी इनइक्वालिटीज़ की, उसका एक सेट जो बनाया जाता है उसे क्या बोलता है, उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया 2x + 5 < 11 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन इसका करेंगे। देखिए 2x, अब देखिए ये हमारा लेस देन 11 - 5 हो जाएगा, तो 2x < 6 हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, x की जितनी वैल्यू है 3 से कम होनी चाहिए, है ना। x इक्वल टू कितना, 1 और 2 हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देन सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, 1 और 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 और 2, है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन सेट बना सकते हैं, समझ गए आप। तो इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन सेट आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक। चलिए दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, x - 3 < 2 x बिलोंग्स टू रियल नंबर हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे इन्फिनिटी होती है उस वाली इनइक्वालिटी में हम क्या लगाते हैं, उस वाले में हम हमेशा ओपन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए -∞ है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन लगाएंगे। इन्फिनिटी पॉजिटिव का है तो हम यहाँ पे ओपन लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगेगा, इसके साथ कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है।
ये हम अभी आपको बता देंगे कि क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आप ये केवल इतना केवल अभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स लेस और इक्वल टू 2+3 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स लेस और इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखिए देन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी जितनी भी होगी देखो 5 के बराबर भी रहेगी और 5 से नीचे जितनी भी है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 5 तक रहेगी कि नहीं रहेगी, इतनी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी ना। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी वाले में हमेशा ये लगता है और लेस और इक्वल टू है, देखिए जहाँ पे कहीं भी लेस लगाओ तो इस पर हमेशा कैसा साइन आएगा, लेस और ग्रेटर लगाओ इस तरीके का तो इसमें हमेशा ये वाले ब्रैकेट आएंगे, लेकिन अगर लेस और इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू इस तरीके से आते हैं ना तो यहाँ पे क्लोज इस तरीके का लगेगा, और इनफाइनाइट वाले में हमेशा कैसा लगेगा, इनफाइनाइट वाले में हमेशा ये वाला साइन लगेगा, आपने देखा होगा, ठीक है, ओपन वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन सेट इसका बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 5 यहाँ पे ओपन लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में ओपन लगेगा और 5 में क्लोज, क्लोज क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लेस और इक्वल टू 5 लिखा हुआ ना, इसका मतलब 5 से छोटे भी है और 5 से बराबर भी है, तो हमने क्या लगाया, हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, है ना, क्लोज ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, है ना, लिख दीजिएगा आप अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और इसमें देखिए एक कंडीशन और आती है, तो आप उसको कैसे करेंगे, सपोज़ करिए एक कंडीशन इस तरीके की आती है, जैसे लिखा होता है इफ़ मॉड एक्स लिखा होता है ना, तो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स की जितनी वैल्यू होंगी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगी, तो इसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा इस तरीके से, एक्स की जो वैल्यू है ए से तो कम है लेकिन बड़ी है किससे, ग्रेटर है किसके, माइनस ए के, इस तरीके से, है ना। अगर मॉड एक्स सपोज़ करिए लिखा है ग्रेटर इक्वल टू, तो ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे एक्स लिखा रहेगा, यहाँ पे लेस और इक्वल टू ए, ग्रेटर इक्वल टू माइनस ए, इस तरीके से, ठीक, समझ गए। तो इस तरीके से आप इसको मतलब कि तोड़ सकते हैं, समझ गए ना आप, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है बट कुल मिला के आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आया, क्योंकि पहली पहली क्लास है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में रखा हुआ है ताकि आपको बेटर क्लैरिटी इसमें मिल सके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।